हेलो। चलो आज हम लोग स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है समझ गए हैं, डिस्टेंस क्या है समझ गए हैं, एवरेज स्पीड समझ गए हैं, है ना। और अभी हम लोग स्पीड और डिस्टेंस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ए ट्रेन जस्ट मिनट, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ, When I say speed, you must understand it is constant speed. Speed of 4 meter per second. How long it will take? How much time it will take to cross beat number one, a lamp post. A लैंप पोस्ट, बीट नंबर टू ए ब्रिज ऑफ लेंथ 200 मीटर्स। क्वेश्चन इज अंडरस्टूड, कोई ट्रेन है जा रहा है, क्या स्पीड में जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड में। पहले डाटा देख लो, ट्रेन का लेंथ क्या दिया है 100 मीटर्स, इसको एक लैंप पोस्ट को क्रॉस करना है, तो कितना समय लगेगा। पहले सोचते हैं कि एक लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सपोज ये हो गया लैंप पोस्ट, मान लो ट्रेन यहां पे पहुंचा है, अभी ये क्रॉस करना शुरू किया, कितना लंबा था ये कितना था, ये था 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन। कब कहेंगे क्रॉस कर गया, जब ट्रेन आके यहां पे पहुंचेगा तो हम कहेंगे यस इट हैज क्रॉस्ड। तो क्रॉस करने के लिए ट्रेन को यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, ये लेंथ कितना है 100 मीटर, है कि नहीं। तो हम कहेंगे ये ट्रेन इधर जा रहा था, तो हम कहेंगे टू क्रॉस द लैंप पोस्ट द ट्रेन हैज टू क्रॉस और मूव ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, कितना दूर जाना है ट्रेन को, कितना दूर जाना है 100 मीटर, क्या है उसका स्पीड, स्पीड कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बता सकते हो कितना टाइम लगेगा, हमें तो मालूम है क्या कि डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, डी इज इक्वल टू टी, ये फॉर्मूला सबको मालूम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इन टू स्पीड, है कि नहीं। तो डी इज इक्वल टू टी, तो टी हो गया डी बाई वी, तो कितना समय लगेगा 100 बाई 4 इज 25 सेकेंड्स। ये हो गया बी टू वन का आंसर, समझ में आया। कितना समय लगेगा उसको एक ब्रिज जिसका लेंथ 200 मीटर है क्रॉस करने के लिए। बीट नंबर टू, मान लो ये है ट्रेन, अब ये ब्रिज को क्रॉस करेगा, मतलब ये 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, ये लेंथ ट्रेन का है 100 मीटर, इधर जा रहा था, कब कहेंगे क्रॉस कर गया ब्रिज को, जब ट्रेन आके यहां पे पहुंचेगा कहेंगे ब्रिज को क्रॉस कर गया। तो फिर इसके लिए ट्रेन को कितना दूर जाना पड़ेगा, इंजन को यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, है कि नहीं। ये है 100 मीटर, ये तो ट्रेन ही है, लेंथ इसका 100 मीटर, तो कितना दूर जाना पड़ा उसको 300 मीटर, क्योंकि 200 प्लस 100, क्या लिखेंगे, टू क्रॉस
the breach of length 200 meter, it has to move a distance. कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा? 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300 मीटर। अब पता चल गया कि डिस्टेंस इज 300 मीटर और उसका स्पीड तो वही था 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या टाइम लगेगा, क्या फॉर्मूला होगा टाइम का? डी बाई वी, इट इज 300 बाई 4 इज 75 सेकेंड। इधर क्लियर, समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसको पॉज लगा के देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या है, ए ट्रेन क्रॉसेस ए लैंप पोस्ट, ए ट्रेन मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड क्रॉसेस ए लैंप पोस्ट विद और इन 10 सेकेंड्स। इसको 10 सेकेंड लगता है क्रॉस करने के लिए। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ए सिमिलर ट्रेन एट रेस्ट। तो लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए उसको 10 सेकेंड लगता है, एक दूसरा ट्रेन वैसे रखा हुआ था उसको क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा? तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि लेट लेंथ ऑफ ट्रेन इज एल, सो फॉर क्रॉसिंग द लैंप पोस्ट ये ट्रेन को कितना दूर जाना पड़ेगा, जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? एल बाई भी, क्योंकि ट्रेन का स्पीड तो दिया नहीं है, कुछ भी होगा, कुछ लेंथ होगा, एंड दैट इज गिवन कितना? 10 सेकेंड्स। अच्छा, एक सिमिलर ट्रेन को क्रॉस करेगा। टू क्रॉस ए सिमिलर ट्रेन एट रेस्ट, क्या आप लोग बता सकते हो ये ट्रेन चल रहा है जिसका लेंथ एल है, दूसरा ट्रेन ऐसे रेस्ट में है इसका भी लेंथ एल है, सिमिलर ट्रेन है, क्रॉस कर गया, कब कहेंगे? जब आके यहां पे पहुंचेगा। तो पहुंचने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा उसको? ये एल है, ये भी एल है, तो कहेंगे 2L। टू क्रॉस ए सिमिलर ट्रेन एट रेस्ट इट हैज टू मूव ए डिस्टेंस 2L, है कि नहीं? तो टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन विल बी 2L बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेकिन हम तो जानते हैं कि L बाई वी इज 10, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 10 दैट इज 20 सेकेंड्स। समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, आप लोग पॉज लगा के लिखो। तीसरा क्वेश्चन, ए ट्रेन
of length 100 meter was moving with constant speed कितना से 4 meter per second constant speed 4 meter per second a man jumps out from rear end पीछे वाला बोगी से jump किया rear end of train and runs to engine runs towards engine with constant speed इसको 120 मीटर कर दो 10 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन हुआ आफ्टर व्हाट टाइम ही विल रीच द इंजिन दूसरा बीट हुआ How far he has to run? कितना दूर दौड़ना पड़ेगा उसको? कुछ नहीं समझ में आया? ट्रेन चल रहा था। ये है ट्रेन, जिसका लेंथ है 120 मीटर। ये ट्रेन है, ये 120 मीटर वाला ट्रेन है। और फिर पता चला, जो ड्राइवर है पीछे कैसे बैठ गया था? घूमने गया होगा उसका, कोई जान पहचान पे होंगे? देखा जैसे ट्रेन चलने लगा दूसरा ड्राइवर स्टार्ट कर दिया वो निकला और दौड़ने लगा यहां से ये आदमी यहां से दौड़ने लगा क्या स्पीड में कितना 10 मीटर पर सेकंड में ट्रेन क्या स्पीड में जा रहा था 6 इट वाज गोइंग विद 4 मीटर पर सेकंड ट्रेन जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड में आदमी भागने लगा 10 मीटर पर सेकंड में नहीं तो पकड़ेगा किसे ट्रेन से ज्यादा स्पीड में तो भागना पड़ेगा तो पहले सोचो और बताओ ये आदमी को इंजन के पास पहुंचने के लिए कितना दूर दौड़ना पड़ेगा 120 मीटर या उससे कम या उससे ज्यादा सोचो तो इसको कितना भागना पड़ेगा 120 मीटर और उससे ज्यादा या उससे कम नहीं देखो तो ये जैसे भागते हुए निकल जाएगा ट्रेन भी तो जा रहा होगा मतलब ट्रेन जब आके यहां पर पहुंच गया होगा तो शायद ये आदमी दौड़ते हुए आके यहां पे पहुंच गया होगा है कि नहीं मतलब आदमी को कितना दूर दौड़ना पड़ेगा 120 से काफी ज्यादा दौड़ना पड़ेगा कितना दूर दौड़ना पड़ेगा और कब पकड़ेगा तो ऐसे बनाएंगे लेट ही रीचेस इंजिन आफ्टर टी सेकेंड्स चलो ये मानते हैं कि टी सेकेंड के बाद ये इंजिन पे पहुंचेगा क्लियर रीच द इंजन आफ्टर टी सेकेंड्स टी सेकेंड में ट्रेन कितना दूर गया होगा यहां से यहां पर कॉल डिस्टेंस मूव बाय ट्रेन ये कितना दूर गया होगा यहां से यहां तक तभी ना इंजन के पास पहुंचेगा दिस इज व्हाट इज डिस्टेंस मूव बाय मैन देखो तो कौन ज्यादा दूर गया होगा मैन की ट्रेन मैन गया होगा ट्रेन कम डिस्टेंस गया होगा वो यहां से यहां तक गया है मैन यहां से यहां तक गया है मैन ज्यादा डिस्टेंस दौड़ा है कितना ज्यादा दौड़ा है जो डिफरेंस है कितना है 120 तो हम क्या करेंगे सो डी डिस्टेंस मूव बाय मैन माइनस डिस्टेंस मूव बाय ट्रेन इक्वल टू 120 मीटर्स है कि नहीं लेकिन बात चल रहा है टी सेकंड का टी सेकंड में आदमी यहां पर पहुंच गया ये ट्रेन यहां पे पहुंच गया टी सेकंड में मैन कितना दूर गया होगा उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड तो टी सेकंड में कितना दूर गया होगा 10 टी और ये जो ट्रेन है ट्रेन कितना दूर गया होगा ये 4 मीटर पर सेकंड में जा रहा था टी सेकंड में कितना दूर गया होगा 4 टी द डिफरेंस इज 120 समझ में आया क्या
तो इससे क्या पता चला, 60 इक्वल टू 120, t इक्वल टू 20 सेकेंड्स, उसको 20 सेकेंड लगेगा पहुंचने के लिए, सीख रहे हो, 20 सेकेंड लगेगा। अच्छा फिर पूछा है कि बताओ उसको कितना दूर भागना पड़ेगा, अरे वो तो भाग रहा था 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में, और कितना दूर जाना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में, कितना समय भागना पड़ा उसको यहां पहुंचने के लिए 20 सेकेंड, तो कितना दूर गया होगा, डीएम क्या है, डिस्टेंस रन बाय मैन, कितना होगा मैन का स्पीड इंटू 20, दैट इज 200 मीटर, आदमी को 200 मीटर दौड़ना पड़ेगा इंजन के पास पहुंचने के लिए, है ना इंटरेस्टिंग, समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, पॉज लगा के नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे 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 मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि टू कार्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 70 और से इट इज 140 मीटर्स, ठीक है। ए डॉग रन्स फ्रॉम फर्स्ट ट्रेन फर्स्ट कार टू सेकेंड, रीचेस द सेकेंड कार एंड अगेन रिटर्न्स टू फर्स्ट कार एंड दस कीप्स रनिंग बिटवीन द टू कार्स विथ कॉन्स्टेंट स्पीड सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड टिल द कार्स मीट, ठीक है। बिट नंबर 1, व्हाट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस रन बाय टू कार्स बाय द टाइम दे मीट, जब तक वो मिलेंगे तब तक रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस क्या होगा। बीट नंबर 2 हुआ आफ्टर व्हाट टाइम दी कार्स मीट, तीसरा हुआ व्हाट इज टोटल डिस्टेंस रन बाय द डॉग, कुत्ते को कितना दौड़ना पड़ा, समझ में आया क्या।
ये है क्वेश्चन, सोल्यूशन भी बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे तो अपन लोग पहले क्वेश्चन को लिख लो, मैं क्वेश्चन को मिटाने वाला हूं, ठीक है, पॉज लगा के क्वेश्चन लिख लो। हो गया? हाँ। क्या दिया है क्वेश्चन? दो कार है और दोनों का स्पीड दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, तो थोड़ा मैं यहाँ पे सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर है एक कार, ये कार है ऐसा जा रहा है क्या स्पीड में, 6 मीटर पर सेकंड में, दूसरा कार दूर पे है, ठीक है ना, ये भी इधर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कार के दो पहिया कैसे होते हैं, कार का तो चार होते हैं। अरे चार होते हैं, लेकिन इधर से देखोगे तो कितना मिलेगा, दो ही तो दिखेगा। तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, कितना दूर से आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 140 मीटर, ठीक है। अब ये जो कुत्ता है, कुत्ता का स्पीड कितना था, 16 मीटर पर सेकेंड, कुत्ता का स्पीड था 16 मीटर पर सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, ठीक। क्या हुआ इस बीच में, जैसे दोनों कार कांस्टेंट स्पीड में एक दूसरे की तरफ आने लगे, पता चला कि जो कुत्ता था वो कुत्ता यहाँ से चलना शुरू किया। आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, फिर भी आप लोग मैनेज कर लोगे, ये कुत्ता है ना, इसके चार टांग दिखेंगे क्योंकि दौड़ रहा है। अच्छा, ये कुत्ता क्या किया, फास्ट कार से भाग के सेकेंड कार पे गया। क्या सेकेंड कार तक जाने के लिए उसको यहां तक आना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि कार भी तो आगे आ रहा होगा, यहां पर कहीं सेकेंड कार को मिला होगा क्योंकि तब तक ये भी आ गया होगा आगे। फिर क्या होगा, यहां से मुड़ के कुत्ता जो है फिर पहला कार पे गया, तब तक पहला कार भी आगे आ गया होगा, फिर यहां से मुड़ के दूसरे में गया। ऐसे दौड़ते 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 कुत्ता जो है कुत्ते की मौत मारा गया, यहां पे आके मर गया। क्वेश्चन पूछा है बताओ कि कितना समय के बाद ये व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस रन बाय द टू कार्स, ये है पूरा क्वेश्चन, समझ में आया। कुत्ता जिंदा था, कुत्ता मर गया है, ठीक है, टॉम निकला हुआ है, ठीक। अब बीट नंबर वन का आंसर, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। अच्छा बताओ, जब तक दोनों मिलेंगे कौन सा कार, मान लो इसका नाम है ए और ये कार का नाम है बी, कौन सा कार ज्यादा समय के लिए गया होगा, ज्यादा समय के लिए, अरे दोनों तो एक साथ चलना शुरू किए, एक समय में मिले तो मतलब दोनों बराबर समय के लिए गए होंगे। लेट दे मीट आफ्टर टी सेकेंड्स, क्या पूछा है, डिस्टेंस मूव बाई ए बाई डिस्टेंस मूव बाई बी का रेशियो। टी सेकेंड में ए कितना दूर गया होगा भाई, ए का स्पीड था 6, तो टी सेकेंड में कितना गया होगा, 6 into t, बी कितना गया होगा, 8 into t, कितना हो गया, 6/8, दैट इज सेम एज 3/4, रेशियो हो गया 3/4, समझ में आया। बीट नंबर टू में पूछा है बताओ, ठीक है, कितना समय के बाद मिलेंगे, इधर मीटिंग आफ्टर टी सेकेंड में ये कुछ यहां पर आया होगा और ये कुछ यहां पर आया होगा, यहां पर आके दोनों एक दूसरे को मिले होंगे जहां पर कुत्ता मारा है ना, तो टी सेकेंड में ए कार कितना डिस्टेंस गया होगा, मान लो ये डी ए, बी कार कितना दूर गया होगा, ये डी बी, तो बताओ ए गया है यहां से यहां तक, बी गया है यहां से यहां तक, डिस्टेंस मूव बाई ए हो गया ये वाला, डिस्टेंस मूव बाई बी हो गया ये वाला, इन दोनों में क्या रिलेशन है, आपको हो गया ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस, है कि नहीं, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। तो ठीक है, डी ए कितना है, अभी तो देखे थे 6 into t, ये कितना है 8 into t, दैट इज 140, तो फिर टी का वैल्यू कितना हो गया, 14 t is 140 t = 10 seconds, सो दे मीट आफ्टर 10 सेकेंड, समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया।
Now what is total distance run by the dog? कुत्ता कितना दौड़ा बता? ये कुत्ता तो यहाँ से भागा, भागते भागते यहाँ पे गया, ऐसे आया, ऐसे 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 करके मर गया। कितना दूर गया? That is this distance plus this distance plus this distance। अरे बड़ा मुश्किल है ये सब निकालना। लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से सोचेंगे। क्या सोचेंगे? कुत्ता डिस्टेंस रन बाय डॉग, डिस्टेंस रन बाय डॉग कितना होगा? इट इज स्पीड ऑफ द डॉग इनटू टाइम। कुत्ता कितने समय के लिए दौड़ रहा था? जब तक दोनों कार उसको लाके बीच में दोनों कार मिल नहीं गए, दोनों के बीच में आके चपेट में आ गए, है ना? कितना समय के लिए दोनों कार को आके कुत्ते को बीच में चकर लेने के लिए कितना समय लगा? 10 seconds। तो कुत्ता का स्पीड क्या था? 60 मीटर पर सेकंड इनटू 10, इट इज 160 मीटर। तो कुत्ते ने टोटल डिस्टेंस बनने से पहले कितना भागा? भागते भागते 160 मीटर गया, ठीक है ना? टोटल डिस्टेंस रन बाय द डॉग इज द स्पीड ऑफ द डॉग इनटू टाइम, दैट इज 160 मीटर। समझ में आ रहा ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको, मिटाते हैं। नोट बना लिए आप लोग पॉज लगा के? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे 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 स्पीड और डिस्टेंस का रिलेटेड चीजें आपको समझ में आ जाएगा। बस याद रखना है कि d इज इक्वल टू vt। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे, इन ए रिवर वेलोसिटी ऑफ फ्लो और स्पीड ऑफ फ्लो इज से 4 meter per second। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ स्पीड कितना से 8 meter per second, से मान लेते हैं कि कुछ 6 meter per second। ही स्विम्स डाउनस्ट्रीम फॉर से 20 seconds। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ फार ही गोज, कितना दूर चला जाएगा? फिर पूछा है हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट और टू स्विम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। समझ में आया? ये है रिवर और इसमें पानी ऐसे जा रहा है vx स्पीड में। वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना दिया है? दिया है कि 4 meter per second है। ये आदमी पानी में तैरने लगेगा, ठीक है ना? तो ये आदमी कितना स्पीड में जा सकता है? ये जा सकता है 6 meter per second में, है ना? तो बताओ व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम जब पानी के बहाव की डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड ऑफ मैन कितना है? अगर पानी बहाव नहीं होता तो ये 6 meter per second में जाता, और अगर ये स्विम नहीं करता खाली फ्लोट करता तो 4 में जाता। मतलब फ्लोट भी कर रहा है, स्विम भी कर रहा है और पानी भी का बहाव भी है, तो इन दैट केस क्या होगा?
कितना स्पीड में जाएगा, ऑब्वियसली 6 + 4 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड अपनी मेन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया ना। फिन इज मूविंग इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, स्पीड क्या बन जाएगा, कितना स्पीड में स्विम कर रहा है प्लस पानी का बहाव कितना है। ओके, क्योंकि पानी भी तो उसको ढकेल के ले रहा है कि नहीं। तो इन दैट केस व्हाट विल से, डिस्टेंस मूव्ड इन 20 सेकेंड्स, डिस्टेंस मूव्ड इन 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या होगा, 10 × 20 200 मीटर चला जाएगा। ये हो गया बीट नंबर वन। अब वो काफी दूर चला गया, ठंडा लगने लगा पानी में इतने देर रहने के कारण। अब बोलते हैं वापस आएंगे, वापस आएंगे तो कैसे आएगा, ये आएगा व्हाइल कमिंग ऑफ स्ट्रीम, जब उल्टा आ रहा है बहाव की उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, स्पीड क्या होगा उसका बताओ, स्पीड ऑफ मैन क्या होगा, कितना होगा। वो आने की कोशिश कर रहा है 6 में, लेकिन पानी उसको ढकेल के उल्टा ले रहा है 4 में, तो उसका इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा, 6 − 4 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, स्पीड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और उसको कितना दूर आना है, 200 मीटर आना है। टाइम टेकिंग टू कम बैक ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 200 मीटर डिस्टेंस को आना है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड में, तो डी बाय वी इज इक्वल टू 100 सेकेंड। देखो जाना तो आसान था, वापस आने में कितना दिक्कत, 100 सेकेंड लग गया जबकि जाने के लिए 20 सेकेंड लगा था, है कि नहीं। समझ में आया, तो वापस आने के लिए उसको 100 सेकेंड्स लगेंगे। समझ में आया। ऐसे ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको करने के लिए दूंगा क्वेश्चंस और आपको कुछ मटेरियल भी दूंगा करने के लिए, तो आप जल्दी जल्दी तक कर पाओगे, लेकिन पहले कंसेप्ट को पकड़ लो। तो हम लोग अभी तक देख रहे हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, अभी एवरेज स्पीड को भी जोड़ेंगे। ठीक है चलिए इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लियो, इसको लिख लियो, पॉज लगा के लिखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा, मैन मूव्स विथ 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड्स, देन टेक्स 10 सेकेंड्स रेस्ट एंड देन अगेन रन्स विथ 10 मीटर पर और 8 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड्स, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ मैन। एवरेज स्पीड, क्या आपको फॉर्मूला याद है कि भूल गए, एवरेज स्पीड का क्या था थोड़ा याद दिला दें, एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस रन बाय टोटल टाइम टेकन, है कि नहीं। ये था फॉर्मूला आपको मालूम, तो अभी हमें निकालना पड़ेगा कि आदमी कितना दूर दौड़ा। तो सॉल्यूशन इसे बनाएंगे, टोटल डिस्टेंस रन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड में 20 सेकेंड दौड़ा है, 20 × 6 फिर 10 सेकेंड का रेस्ट लिया, जब रेस्ट लिया तो गया नहीं, जहां था वही है, फिर क्या हुआ, फिर 8 मीटर पर सेकेंड में 15 सेकेंड दौड़ा है, अगेन 8 × 15
तो कितना हो गया 240 मीटर, ये थोड़ा कितना है 240 मीटर। टोटल टाइम टेकन इक्वल टू, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो रहा है देखो, तो पहले दौड़ा 20 सेकेंड है ना, 20 सेकेंड भाग के गया, फिर थोड़ा रुक के देखा कोई दौड़ा रहा है क्या मेरे को पीछे से, फिर रेस्ट लिया कितने समय के लिए 3 सेकेंड के लिए, फिर बोला क्यों वेट करें भागते रहे तो बढ़िया है, तो ये 15 सेकेंड फिर से दौड़ा है कि नहीं, पहले 20, 10 एंड 15, तो ये पूरा कितना हो गया, इट इज कमिंग 45 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस गया 240, टोटल टाइम गया 45 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, इट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इज 240 बाय 45, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट इज कमिंग आउट टू बी 48 बाय 9, दैट इज इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ, ये 5.33 मीटर पर सेकेंड में गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड 5.33 मीटर पर सेकेंड हुआ, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये आदमी अगर बिना रुके कांस्टेंट स्पीड में इतना स्पीड में भागता तो इतनी समय में इतना दूर पहुंच जाता, लेकिन वो कभी ज्यादा स्पीड में गया, कभी कम स्पीड में गया, रेस्ट लिया, इसलिए है ना, इसलिए उसका एवरेज स्पीड ये हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार रन्स विथ स्पीड V1 फॉर सम डिस्टेंस, देन विथ स्पीड V2 फॉर सेम डिस्टेंस, जितना दूर दौड़ा V1 स्पीड में उतना ही दूर दौड़ा V2 स्पीड में, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो क्या हुआ, वो जो डिस्टेंस जाना था उसका आधा डिस्टेंस गया कितने स्पीड में, V1 स्पीड में, ठीक है, और उतना ही डिस्टेंस गया V2 स्पीड में। चलो मानते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस है 2D, सपोज हिसाब करने के लिए आसान रहेगा 2D, तो D डिस्टेंस गया V1 स्पीड में, D गया V2 में, पूछा एवरेज स्पीड, तो कैसे निकालेंगे, ना कितना डिस्टेंस गया मालूम नहीं है, कितना समय दिया मालूम नहीं है, तो अस्यूम कर लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2D, मान लो ये A से स्टार्ट किया, ये B है, ये C है, टोटल टाइम कितना होगा, इट इज टाइम फॉर A टू B मोशन प्लस टाइम फॉर B टू C मोशन। A टू B मोशन के लिए क्या टाइम लगेगा, D/V1, और B टू C मोशन के लिए D डिस्टेंस जाना है वो भी तो V2 स्पीड में, D/V2, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये क्या हो जाएगा, V2 प्लस V1 बाय V1 V2 इनटू D है कि नहीं, V1 V2 गया LCM, और ये V1 प्लस V2 प्लस V1 हो गया, ये हो गया टोटल टाइम टेकन, लेकिन हमें तो D मालूम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना था 2D, टोटल टाइम कितना था ये V2 प्लस V1 बाय V1 V2 इनटू D, अरे D को खा गया, सिंपलीफाई करो तो क्या मिलेगा 2V1 V2 by V1 plus V2 नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ध्यान रखना।
समझ में आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पॉज लगा के लिखो, ठीक है नेक्स्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में करवा देता हूँ टिपिकल क्वेश्चंस, फिर तो आपको करोगे है ना, मैं आपको मेटेरियल दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल ए बॉडी मूव्स विथ स्पीड v1 फॉर सम टाइम एंड स्पीड v2 फॉर सेम टाइम, जितना समय के लिए v1 स्पीड में दौड़ा था v2 स्पीड में उतना समय के लिए दौड़ा, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना होगा। चलो लेट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, लेट टोटल टाइम, देखो अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो तुरंत पॉज लगाओ, ट्राई करना शुरू करो, फिर उसके बाद पॉज खोलो और देखो मैं क्या कर रहा हूं, है ना, मैं तो वेट नहीं करूंगा। लेट टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 2t, 2t है टोटल टाइम ऑफ मोशन, मतलब क्या हुआ, टी सेकंड के लिए गया v1 स्पीड में, टी सेकंड के लिए गया v2 स्पीड में। डी टोटल डिस्टेंस फ्रॉम, बताओ अगर टोटल टाइम 2t है, v1 स्पीड में जितना समय के लिए गया था v2 स्पीड में भी उतने ही समय के लिए गया था, तो बताओ v1 स्पीड में कितने समय के लिए गया था, पूरा टाइम 2t है तो उसका आधा t सेकंड्स, तो कितना दूर गया होगा v1 into t। सिमिलरली जब v2 स्पीड में दौड़ रहा था तब कितना दूर गया होगा v2 into t, टोटल डिस्टेंस कितना गया होगा, दिस प्लस दिस, सो इट इज v1 प्लस v2 into t, और टोटल टाइम क्या था, टोटल टाइम हम लोग अस्यूम किए हैं 2t, तो क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना था 2t, v1 प्लस v2 इंटू टी बाय 2t इज इक्वल टू कितना हो गया, टी से ऊपर टी तो नीचे दोनों गए कैंसिल हो गए, इट इज v1 प्लस v2 बाय 2, द एवरेज स्पीड इज v1 प्लस v2 बाय 2। समझ में आ रहा है क्या, आ रहा ना, ठीक है लिख लो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, ठीक है, एवरेज स्पीड के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन पहले इतना कंसीडर कर लो, वीडियो का साइज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि हम लोग देखेंगे।